स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल में मैं विशाल महाजन आज आपको बताने वाला हूँ कि क्लास टेंथ के सिलेबस में से क्या चीज़ डिलीट हुई है और क्या हमें करना है बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या छोड़ना है और क्या करना है उस तीस परसेंट सिलेबस में जो हमारा डिलीट हुआ है और उसके बेस पर हमें क्या करना है सेवेंटी परसेंट सिलेबस में तो आज हम ये सारी चीज़ें यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज ये देखने वाले हैं कि कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा टॉपिक हमारा डिलीट हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है और कौन सा हमें करना है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोर्स स्ट्रक्चर क्लास टेंथ में कि हमारी मार्किंग स्कीम हमें पता होनी चाहिए यूनिट वाइज कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है और उस यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं हमें उस मार्क्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम जो है वो सिक्स मार्क्स का टॉपिक है हमारे पास यूनिट है अलजैबरा ट्वेंटी मार्क्स का है अभी आप यूनिट देख लीजिए अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर इस यूनिट के अंदर है अल्जैबरा जो होता है हमारे पास ट्वेंटी मार्क्स का आने वाला है इस बार हमारे पास बोर्ड के अंदर कॉर्डिनेट जोमेट्री सिक्स मार्क्स का काफ़ी अच्छी वेटेज है चैप्टर की जोमेट्री फिफ्टीन मार्क्स की है टिग्नोमेट्री ट्वेल्व मार्क्स की है हमारे पास मैंसुलेशन टेन मार्क्स की है स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी इलेवन मार्क्स की है और टोटल आपका एट्टी मार्क्स का पेपर होने वाला है अब देखते हैं कि कौन से यूनिट के अंदर कौन सा चैप्टर है और उस चैप्टर के अंदर क्या डिलीट हुआ है और क्या हमें करना है ये दोनों चीज़ें आज हम देखने वाले हैं चलिए देखते पहली यूनिट हमारे पास आती है नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम के अंदर एक ही चैप्टर है रियल नंबर्स ठीक है और रियल नंबर्स के अंदर क्या नहीं करना है सबसे पहले क्या डिलीट हुआ है सबसे पहले है हमारे पास यूक्लियर डिवीजन लेमा मींस एक्सरसाइज हमारे पास जो है 1.1 ये हमारी पूरी ही डिलीट हो गई है ये हमें नहीं करनी है बिल्कुल भी 1.1 और इसके बाद अगर आप देखें कि हमें क्या करना है राइट हैंड साइड पे क्या करना दिया हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर रूट टू रूट थ्री रूट फाइव इरेशनल अले आपको प्रूफ करने वाले मीन्स यहाँ से इसके बाद जो भी टॉपिक है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मीन ये सब करना है हमें चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अब हमारे पास यूनिट आ गई कौन सी अलजैबरा यूनिट टू अल्जैबरा अल्जैबरा के अंदर चैप्टर आते हैं हमारे पास पॉलिनोमियल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये चार चैप्टर हमारे पास आते हैं अलजैबरा के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि क्या नहीं करना है पॉलिनोमियल स्टेटमेंट एंड सिंपल पॉलिन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोम विद रियल कॉफिशेंट मतलब जो डिवीजन वाले क्वेश्चन थे वो आपके सिलेबस में नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2.3 हमारे पास है वो डिवाइड वाली है इसलिए हमें ये पूरी ही नहीं करनी है 2.1 और 2.2 ही सिर्फ करनी है कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें आराम से नोट करिए चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज कि क्या नहीं करना है और क्या करना है तो 2.3 नहीं करनी है 2.1 और 2.2 ही करनी है देखिए अगर हमें क्या करना है एक बार हम इसमें देखें तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कॉफिशेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सिर्फ रिलेशन की बात कर रहा है यहाँ पे जीरोज़ की बात कर रहा है मीन्स बीटा उसका रिलेशन प्रूफ करने को बात कर रहा है और जीरोज से हम इक्वेशन पोलिनोमियल बनाने की भी बात कर सकते हैं इससे ज़्यादा हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अल्फा बीटा से रिलेटेड सम प्रोडक्ट से रिलेटेड ये सारे आपको करने हैं और डिवीजन वाले आपको कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है प्रैक्टिस नहीं करना है आप छोड़ सकते हैं इनको ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए तो चैप्टर नंबर टू हो गया हमारा उसके बाद आते हैं यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में से सिर्फ इसमें से जो डिलीट हुआ है वो हमारा डिलीट हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मेथड डिलीट हुआ है वर्ड पम्प डिलीट नहीं हुई है आपको सारी वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है आप उन वर्ड प्रॉब्लम्स को सब्स्यूट या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन और बाकी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है चैप्टर से अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर फोर है हमारे पास इसके अंदर से क्या डिलीट हुआ है इसके अंदर लगभग लगभग ज्यादातर चीजें डिलीट हो चुकी है सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन मीन्स वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के अंदर जितनी भी थी फिर से जितनी भी वर्ड प्रॉब्स है सारी डिलीट हो चुकी है हमें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं करनी है इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक के अंदर ठीक है तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं करनी है बाकी सब करना है क्या क्या करना है वो भी एक बार देख लो भाई हमें जो करना है वो करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट मीन्स हमें फैक्ट्राइजेशन मेथड करना है हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना है हमें डिस्क्रिमिनेंट जिसे आप डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी उसके कितने टाइप्स के नेचर होते हैं रियल रूट इक्वल रूट नॉन रियल रूट उसके नेचर्स के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सिर्फ आपको करने हैं कोई भी वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर में से नहीं आने वाली आपके एग्जाम में आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप छोड़ सकते हैं उसको इसके बाद हम आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे टिक प्रोग्रेशन में क्या डिलीट हुआ है वो देख लेते बारी अर्थमैटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो डिलीट हुआ सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम मतलब वर्ड प्रॉब्लम है किस पे एस एन की जो वर्ड प्रॉब्लम जो वर्ड प्रॉब्लम जो, जो हमारी बुक में दे रखी है एस एन में फाइव पॉइंट थ्री एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन से जो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है कहाँ तक गई है अभी हमारे पास गई है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक जो गई है वर्ड प्रॉब्लम्स ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपको नहीं आने वाली इस बारी एग्जाम में ये कट हो चुकी है आपके सिलेबस में से तो वर्ड प्रॉब्लम सम की सिर्फ सम की टर्म की नहीं सम में जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो नहीं आने वाली आपके एग्जाम में इस बारी बाकी सारा चैप्टर आना है चलिए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं कि नेक्स्ट यूनिट में क्या करना है और क्या नहीं करना है अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि जैसे ही कोई भी नई वीडियो अपलोड करे आपके कोर्स से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए ताकि आप कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो पाए नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो है कॉर्डिनेट जोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से क्या चीज़ डिलीट हुई है सबसे पहले वो देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो हमारा डिलीट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्राएंगल हुआ है मीन्स हमें जो एक्सरसाइज नहीं करनी है वो नहीं करनी है सेवन पॉइंट थ्री ये हमारे सिलेबस में डिलीट हो चुकी है ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए इसलिए हमें इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं करने की ज़रूरत बाकी पूरा चैप्टर करना है जैसे यहाँ पे बोला है डिस्टेंस फॉर्मूला भी करना है आपको सेक्शन फॉमूला भी करना है तो ये दोनों टॉपिक आपको अटैम्प्ट करने हैं आपको प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से लेकिन 7.3 का कोई भी क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है इस बारे चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद आता है हमारे पास ज्योमेट्री ज्योमेट्री में क्या नहीं करना है सबसे पहले वो देख लेते हैं ज्योमेट्री में जो ट्राइ चैप्टर आ रहे हैं वो आ रहा है हमारे पास ट्राइंगल्स सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन तीन चैप्टर हमारे पास आते हैं ठीक है ट्राइंगल्स सबसे पहले ट्राइंगल्स के अंदर क्या डिलीट हुआ है तो डिलीट जो होने वाला है वो हमारे पास दो हमारे पास होने हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इन्होंने डिलीट कर दिया है और थ्योरम्स का नंबर जो है हमारे पास जो नहीं करनी है वो थ्योरम 6.6 एंड 6.9 ये दोनों थ्योरम आपको अटैम्प्ट नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी है इन दोनों थ्योरम्स की थ्योरम सिक्स एंड सिक्स दोनों ही करने की कोई ज़रूरत नहीं है बाकी पूरा चैप्टर आपको करना है बाकी सब कुछ आने वाला है आपके इस चैप्टर में सिर्फ ये दोनों प्रूफ करने को नहीं आएगी प्रूफ डिलीट हुआ है यहाँ साफ साफ लिखा है प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड प्रूफ करना डिलीट हुआ है इनके बेस पे क्वेश्चन डिलीट नहीं लिखा है इसलिए क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर आता है वो ज्योमेट्री के अंदर आता है सर्कल्स तो अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें नो डिलीशन लिखा है कोई भी डिलीट नहीं हुआ है पूरा का पूरा चैप्टर आपको करना है सारे के सारे क्वेश्चन सारी के सारे थ्योरम्स दो ही थ्योरम है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में जो है हमारे पास बहुत कुछ डिलीट हो गया ये करना है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट गिवन रेशो इंटरनली ये करना है टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट ये भी करना है क्या डिलीट हुआ है सबसे पहले वो देख लेते हैं

पे साफ साफ लिखा है, उसने। ए सर्कल वाला कहीं नहीं है सर्कल वाला है, मतलब आपको पूरी की पूरी करनी है इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ में से कुछ डिलीट नहीं हुआ है, में से डिलीट हुआ है सारे क्वेश्चन लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन हमें करना है प्रैक्टिस तो ये भी हमें क्लियर हो गया मतलब में से हमें पता लग गया ट्राइंगल में से क्या ये दोनों थ्योरम्स कटी है सिर्फ हमारे पास डिलीट हुई है ये नहीं करनी है बाकी सब कुछ इसका प्रूफ नहीं करना है बाकी सब करना है सर्कल में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है कंस्ट्रक्शन में से इलेवन पॉइंट वन डिलीट हुई है लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन करना है चलिए आगे देखते हैं भैया इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आ रही है अभी ट्रिग्नोमेट्री टिग्नोमेट्री सबसे पहले दो चैप्टर आते हैं एट चैप्टर और नाइन्थ चैप्टर तो पहले एट चैप्टर में देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में से क्या डिलीट हुआ है जो डिलीट हुआ है वो हुआ है मेन टिक्डोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली एक्सरसाइज डिलीट हो गई है मीन्स आपके पास जो डिलीट हुआ है वो क्या हुआ है भाई एट पॉइंट थ्री ये पूरी की पूरी डिलीट हो गई है इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है इस बारी ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए बाकी सारी एक्सरसाइज आपको करनी है बाकी सारी जितनी भी बची है हमारे पास मतलब एट पॉइंट वन भी करनी है, है एट पॉइंट टू भी करनी है और एट पॉइंट फोर भी हमें करनी है इस बार ही लेकिन एट पॉइंट थ्री हमारे सिलेबस में नहीं है इसके बाद आते चैप्टर नंबर नाइन चैप्टर नंबर नाइन में अगर आप देख रहे हो तो यहां पर साफ साफ नजर में आ रहा है कि नो डिलीशन कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है तो इसका मतलब चैप्टर नंबर नाइन के सारे क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं तो टिक्नोमेट्री में आपको क्लियर हो गया कि क्या डिलीट हुआ और क्या करने वाले हैं हमारे पास नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं भाई यूनिट नंबर सिक्स यूनिट नंबर सिक्स है मैं में क्या डिलीट हुआ है सबसे पहले वो देख लेते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर ट्वेल्व चैप्टर नंबर ट्वेल्व में सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन हटे हैं जो बेस है एंगल वन ट्वेंटी डिग्री पे जिसमें थीटा वन ट्वेंटी डिग्री दिया है वो क्वेश्चन नहीं करने हैं बस यही डिलीट हुआ है इसमें से ज़्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है चैप्टर में से और सेकेंड चैप्टर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स इस यूनिट के अंदर जिसके अंदर से जो डिलीट हुआ है वो हुआ है हमारे पास फ्रस्टम ऑफ कौन? फ्रस्टम ऑफ कौन जो एक्सरसाइज है थर्टीन चैप्टर में वो है हमारे पास थर्टीन पॉइंट फोर तो इसका मतलब थर्टीन पॉइंट फोर हमें इस बारी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करनी है थर्टीन पॉइंट वन करनी है टू करनी है और थ्री करनी है थर्टीन पॉइंट फोर नहीं करनी है हमें तो हम ये पूरी एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं इस बारी एग्जाम्स के लिए ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए और बाकी सब कुछ हमें करना है चलिए नेक्स्ट यूनिट देख लेते हैं और लास्ट यूनिट जो हमारे पास बसती है वो बनती बसती है स्टेटेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की यूनिट सेवन्थ यूनिट है हमारे पास क्या डिलीट हुआ है वो देख लेते हैं जो इस से डिलीट हुआ है स्टेट में से वो हुआ है स्टेप डिवेशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन मीन फाइंड करने के अंदर स्टेप डिवेशन मेथड जो होता है वो नहीं करना है हमें ठीक है बाकी एक्सरसाइज करनी है फर्स्ट एक्सरसाइज हमें करनी है मीन उसमें सब में फाइंड करना है लेकिन स्टेप डेविएशन से नहीं करना है बाकी दो मेथड बचे हैं डायरेक्ट मेथड एंड मीन मेथड दोनों से आप कर सकते हो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज डिलीट कर दी इस चैप्टर में से जो है जिसमें हम फाइंड करते थे भाई क्यूमिकेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ जो एक्सरसाइज नंबर जो हमारे पास बनती है वो है फोर्टीन पॉइंट फोर फोर्टीन पॉइंट फोर में हम ग्राफ बनाते थे औजाइफ कर वो हमारे में से डिलीट कर दिया है फोर्टीन पॉइंट फोर नहीं करनी है इसके ग्राफ नहीं आएंगे इस बारी तो आप ये एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आप यहां पे देख रहे होंगे साफ़ साफ़ कि कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है तो प्रोबेबिलिटी में से सब कुछ करना है आपको तो ये पूरा कोर्स था हमारा कि क्या डिलीट हुआ है चैप्टर वाइज आपको बताया है और क्या करना है आपको ये भी बताया अब इसके हिसाब से आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन कीजिए और इस बारी अच्छी प्रिपरेशन अगर आप करते हैं क्योंकि काफ़ी कोर्स हमारा कम हो गया है तो आप आराम से हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स अचीव कर सकते हैं बस आपको एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आता है तो आप हमारी क्रैश कोर्स की एक पूरी प्ले है उसमें जाके आप चैप्टर वाइज कोई भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कोई भी टॉपिक आप समझ सकते हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा रखा है सब कुछ बता रखा है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए